गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने आपको पिछले टॉपिक में आनुवंशिकता एवं जैव विकास चैप्टर पढ़ा रहे थे। आनुवंशिकता में हमने आपको ग्रेगर्स और मेंडल के बारे में बताया था, ठीक है। इसके बाद उन्होंने किस पौधे को लिया, यानी कि मटर को लिया जिसका बॉटनिकल नेम होता है पाइसम सैटाइवम, ठीक है। ये सब बातें बताई थी। इसके बाद हरी डलवाई थी मेंडल के नियमों में प्रयुक्त शब्दावली, जलवायु थी ना। पहली हरी डलवाई डालिए एलिडिया एलिडोमार्फी, देखिए एलिड का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। जैसे एक लंबा है उसका अपोजिट हो गया गौना, एक गोरा है तो उसका अपोजिट हो गया काला, ठीक है। लाल है तो उसका अपोजिट सफेद हो गया। तो जस्ट अपोजिट जोड़ा जो होता है वो क्या कहलाता है, एलिड या एलिडोमॉर्फी कहलाता है। या आप इसको डेफिनेशन में ऐसे देख सकते हो कि विपरीत लक्षणों वाले जोड़े को हम एलिड या एलिडोमॉर्फी कहते हैं। संकरण तो एक संकरण संकर क्या होता है, एक
प्रोसेस। ठीक है, तो जब एक विपरीत लक्षणों वाले जोड़े के बीच में, जब एक विपरीत लक्षण वाले जोड़े के बीच में क्रॉस कराया जाता है, निषेचन कराया जाता है, तो हम उसे एक संकरण क्रॉस कहते हैं। जैसे लंबे और बौने पौधे के बीच में जो क्रॉस कराएगा, उसे कराया जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, एक संकरण क्रॉस कहते हैं। राइट, समझ में आ गया। इसके बाद डाल दीजिए द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण। देखिए, जब मेल और फीमेल के बीच में दो लक्षणों के बीच में क्रॉस कराया जाता है, जैसे हमने एक लंबा लिया था, एक बौना लिया था, केवल एक विपरीत लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया था, तो उसे एक संकर क्रॉस कहते हैं। लेकिन जब मेल और फीमेल के बीच में दो लक्षणों के बीच में हम क्रॉस कराते हैं, तो उसे हम द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। दूसरी आई डाल दीजिए आप द्विसंकर संकरण। ठीक है, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, जब मेल यानी कि नर और मादा के बीच में दो लक्षणों के बीच में क्रॉस कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो उसे द्विसंकरण क्रॉस कहते हैं। जैसे एक लंबा है तो एक बौना है, एक लक्षण हो गया, उसके साथ साथ में क्या है, वो गोल है और दूसरा क्या है, झुर्रीदार, तो ये दो लक्षण हो गए, लंबा गोल बौना झुर्रीदार, दो लक्षणों के बीच में क्रॉस करा रहा है, तो उसे हम द्विसंकरण क्रॉस कहते हैं। समझ आ गया। नेक्स्ट डाल दीजिए हेडिंग टेस्ट क्रॉस। तथा बैक क्रॉस,